कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अपने आप को अच्छी तो नहीं कह सकती, क्योंकि आपको चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा सा उदास सी हूँ। क्योंकि जो मैं कहती हूँ ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि कब इंसान है कब नहीं है। और जिस इंसान से हम आज मिल रहे हैं, पता नहीं दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं। तो कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। और आप लोग अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, पुराने ब्लॉग्स देख रहे होंगे, कई दिन से देखते आ रहे होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मेरी फैमिली, मायके की फैमिली, मेरी आंटी हैं और लगेंगी, वो आई थी अभी कुछ दिन पहले, और उनके बच्चे भी आए थे। दोनों दीदी आई थी, लड़के आए थे जो मांगलिक थे। सिद्धू नाम है उसका, सिद्धार्थ नाम है, सिद्धू सिद्धू कहते हैं लोग। और उसके साथ मेरा बचपन बीता हुआ है। और एक और अंकल के लड़के हैं, उनके साथ भी मेरा बचपन बीता हुआ है। तो सिब्बू सिद्धू और मैं दोनों ही एक साल साथ रहते थे, खेलते थे। तो काफ़ी वो मतलब भाई जैसा है, भाई है मेरा। और काफ़ी शादी में मेरे मतलब जब मैं स्टेज पे थी तो मुझे काफ़ी चिढ़ा रहे थे सब, दोनों भाई मिलके। और जैसे मेरे सेम एज के हैं तो बहुत मजाक कर रहे थे, बहुत चिढ़ा रहे थे। क्लोज़अप जो लिया जा रहा था मुझे याद है। और सिद्धू से बहुत ओपनली बात होती है मेरी, सिब्बू सिद्धू से। तीनों हम लोग सेम एज के थे। तो जैसे सबसे छोटा सिब्बू है, चाचा का लड़का एक, और पहले सिद्धू था साथ और फिर मैं हुई थी, फिर सिब्बू। एक एक महीने के अंतर पे ऐसे होता है ना, घर में बहुएँ होती हैं, बाबा की बहू, उनके बाबा की बहू, ऐसे ही कुछ करके थी। तो वही आंटी के लड़के हैं, उनका बचपन साथ में ही बीता है। तो कल आंटी आईसीयू में एडमिट थी और एक्सपायर कर गई। अचानक से सुनी कि मैं तबीयत ख़राब है और उसके बाद सुनी कि एक्सपायर कर गई। और मतलब मैं रो रही थी उसके बाद, मतलब मैं चाय पीने जा रही थी, बैठी थी मम्मी पापा के साथ, पता चला अचानक से कि ऐसे हो गया है, मुझे रोना आ गया। मतलब अभी कुछ दिन हुए थे, एक महीने पता नहीं कितने दिन, याद नहीं है मुझे, लेकिन अभी मिली थी। मतलब ये नहीं होता ना कि इस बार हम मिल रहे हैं, पता नहीं दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यूपी में तो कोरोना हो रहा है तो सीधे ले रहा है। तो वही है, पूजा पाठ इतना ज़्यादा करती थी, कहते हैं ना पूजा पाठ करो तो, लेकिन कुछ भी नहीं रहता। जब इंसान को जाना रहता है वो चला जाता है। तो उनके ब्लॉग बनाना भी एक अच्छा माना जा सकता है कि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि कुछ पुरानी यादें हैं जो हमारे ब्लॉग में कैप्चर हो जाती हैं। कल को दीदी को याद आएगी या फिर सिद्धू को याद आएगा तो वो ब्लॉग खोल के देख सकता है। उसमें वीडियो में आंटी आराम मतलब अच्छे से बोल रही हैं, हंसी मजाक हंस रही हैं। तो मैं कल वही ब्लॉग देख रही थी अपना। एक तरीके से बहुत अच्छा तरीका है कि ब्लॉगिंग होती है, ऐसी यादें तो रहती है ना, ऐसे कोई कहाँ इतना वीडियो बनाता है, लेकिन ब्लॉग के जरिए इंसान याद पड़ने पे देख सकता है। और सबसे दुख की बात ये है कि कल एक्सपायर कर गई वो, तो उन मतलब कि गांव से कोई जा नहीं पाया, हमारे घर की बहू थी, कोई लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई जा नहीं पाया। यहाँ तक कि उनके मतलब
जेठ कहे जाते हैं, बड़े पापा जो हैं, दो भाई थे वो लोग, तो वो बनारस में रह के वो नहीं पहुंच पाए शायद, और कोरोना में किसी को मिलने नहीं दिया गया, और शायद उनके हस्बैंड और उनका एक बच्चा था, मतलब वही सिद्धू, उन्होंने ही डेड बॉडी के पास वही थे लास्ट टाइम में, यहाँ तक कि उनकी दोनों लड़कियाँ नहीं मिल पाई। तो दुख होता है ना कि अपने, मतलब इससे बड़ी दुख की बात कौन सी है यार, कि अपने लास्ट टाइम में अपने माँ बाप से ही ना मिल पाए इंसान, ऐसी बीमारी। मैं तो अपने मम्मी का सोचती हूँ, तो वही मतलब मम्मी का सोच के तो उन लोग को कितना, दीदी लोग को बुरा लगता होगा कि ये चीज़ें, कि एक होता है ना कि बच्चे जान से प्यारे होते हैं, माँ जान से प्यारी होती हैं, तो ये होता है कि कम से कम लास्ट टाइम में तो हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने रहे, हमारा हमारी माँ लास्ट टाइम में हम देख सकें उसको ना कुछ, तो जब मतलब हो गए हैं, एक्सपायर हो गए, क्या पता, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब इंसान ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम भी ना देख पाओ तो कितना, सबसे कष्ट की बातें तो यही होती हैं। और ऐसे टाइम में दो ही लोग थे फैमिली के, सुन के बहुत अजीब, बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे। अभी कुछ दिन पहले बाबा की बहन बुआ लगेंगी, वो एक्सपायर कर गई थी, तो उनकी ये थी, समझ में आता है, लेकिन इनकी तो दोनों लड़कियों की शादी हो गई थी मानो, लेकिन सिद्धू की शादी नहीं हुई थी अभी, और वो सेम मेरे एज का है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसका होगा क्या, वो कैसे करेगा मैनेज, अपने मम्मी के साथ ही रहता था, हर चीज़ें शेयर करता था, मम्मी से उसकी पढ़ती थी, आंटी के जाने के बाद तो सब बिखर गया। मैं सुबह कॉल भी कर रही थी, रिसीव नहीं हुआ उसका कॉल, और स्टेटस उसने लगाया था, मैं फोटो लगा दूंगी आप लोग देख लेना, बहुत बुरा हुआ है कोरोना काल ना, जो सब लोग कहते हैं कि 2020 खराब, 2021 और ख़राब है, इसलिए बस यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए। दाल चावल में गुजारा कर लीजिए, पता नहीं हवा में जैसे लग रहा है कि कोरोना फैल रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, मतलब। और वो आंटी तो हम हमेशा हर मौके पे पहुंचती थी, शादी हो या कुछ भी हो जाए हमेशा पहुंचती थी, तो वही चीज़ें, आंटी मेरी थी एक, और वो कह रही कल्याणी को मत बताना कि ऐसे हो गया है, सब लोग सोचते हैं ना कि इंसान को अपना टाइम याद आ जाता है, लेकिन इतना इतना बड़ा दुख बीत गया है ना मेरे ऊपर, कि मुझे उसके सामने सारे दुख छोटे लगते हैं, लेकिन मुझे बस सिद्धू का लग रहा है, मेरा भाई है वो, कि वो मेरे सेम एज का है, वो उसका कैसे होगा, आगे कैसे मैनेज करेगा, ना शादी हुआ है ना कुछ हुआ है, मन बहुत उदास है, बहुत अजीब लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपना एक फैमिली मेंबर चला गया ना। पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ चीज़ें बहुत फील होती हैं, कष्ट होता है मुझे। चलो फिर मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, देखती हूँ शाम का वीडियो आता है कि नहीं आता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी होता है ना तो याद आ जाती है, एक तो ये महीना इतना ख़राब है ना, आज है 19 तारीख और आज के दिन, कल के दिन हम लोग 17 तारीख को हम लोग गाँव गए थे,
ये महीना मई महीना बहुत ख़राब है मेरे लिए। अप्रैल मई चीज़ें बहुत फील होती है मुझे। चलो ठीक है, बाय।